विदिशा जिले के पीपलखेड़ा में भी आज बता दें कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम पीपलखेड़ा में कालू मोहल्ला स्थित सत्ता वाले मंदिर पर सुंदरकांड की भव्य प्रस्तुति और स्थानीय भजन मंडलियों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ भजन किया गया। वहीं ग्राम के समीप ही राम भक्त हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का पुनीत कार्य आचार्य द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ ही दोनों और पूरे विधि विधान के साथ ही संपन्न करवाया गया। साथ ही राम जानकी बड़े मंदिर से होते हुए यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो बिजासन मंदिर से ग्राम के मुख्य मार्ग होते हुए सब्जी बाजार स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। राम यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और साथ ही चलने वाली महिलाएं पुरुष जो कि टोकियो राम भजनों और राम का नाम और राम भक्त नृत्य करते दिखाई दिए। साथ ही आतिशबाजी भी की गई। यात्रा का क्रम आगे बढ़ते हुए बता दें कि मेन मार्केट और साप्ताहिक फूड मार्केट के शिव मंदिर और काली माई मंदिर होते हुए राम यात्रा प्राचीन शिव मंदिर पहुंची, जहां मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले मकान की दहलीज के आसपास रंगोली और जय श्री राम अंकित था। साथ ही यात्रा में चल रहे श्रद्धालुओं के हाथों में राम नाम अंकित और हनुमान जी के चित्र के भगवा झंडे लहराए जा रहे थे। यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। इसी क्रम में आज बता दें कि राम लखन और माता जानकी की तस्वीर की पूर्ण आस्था के साथ पूजन भी किया गया। वहीं राम यात्रा आयोजकों द्वारा समय समय पर यात्रा को आगे आगे बढ़ते रहने की विधि और समय सविधि को संपन्न करवाने का संकेत दिया जा रहा था। साथ ही राम यात्रा प्रमुख मार्ग से होते हुए सत्ता वाले मंदिर पहुंची, जहां से यात्रा में चल रहे सभी श्रद्धालुओं ने राम